नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे धर्म संदेश। दोस्तों, आज मैं आपको गुर्दे और किडनी में यदि पथरी होगा यदि आपके शरीर में, तो मैं आपको एक ऐसा दवाई में आपको बताऊंगा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है कि आज तक मेरा यह अनुभव है कि मैं तकरीबन 2 या 3 साल से मैं इस मेडिसिन को मैं जानता हूँ और प्रयोग करता हूँ, दूसरों के लिए मैं देता हूँ। आप यूँ लगा लो कि यदि आपका 20 या 21 mm तक का यदि आपका पथरी है, चाहे वो गुर्दे में हो चाहे किडनी में हो, और इस दवाई का सेवन यदि आप उस विधि से करेंगे जिस विधि से अभी मैं आपको अब बताने वाला हूँ, तो निश्चित है कि आपका यह पथरी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल आपके शरीर से पथरी जो है गल के बाहर की ओर निकल जाएगा, बह जाएगा बाहर। इसमें कुछ शर्त है। पहली शर्त ये है कि इसकी जो परहेज की जो तरीका है आपको अपनाना पड़ेगा। दोस्तों, 40-50 हज़ार रुपये इसके ऑपरेशन में लगते हैं। अब यह जो सभी जो दवाई यदि आप खरीदने के लिए बाज़ार में जाएंगे तो 150-200 ज़्यादा से ज़्यादा 250 तक में यह सभी दवाई आपको बाज़ार में उपलब्ध है। तो क्यों ना 40-45 हज़ार रुपया खर्चा करके एक दुखदायी ऑपरेशन करने से तो अच्छा है कि एक बार इस ट्रीटमेंट को आप अपना के देख लो। मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि इस ट्रीटमेंट से आपका जो शरीर का जो पथरी है निकल के बाहर चला आएगा। सबसे पहले मैं आपको दवाई का नाम मैं बताता हूँ। देखो, 50 ग्राम आपने लेना है बेर पत्थर। बेर पत्थर, फिर से सुनना, बेर पत्थर, इसे आपने लेना है 50 ग्राम। फिर आपने पंसारी के यहाँ पर जाकर के ये सभी दवाई लेके आना। ये ध्यान देना कि पंसारी आयुर्वेदिक दवाइयों को जानने वाला हो। कुछ पंसारी आजकल सिर्फ धन कमाने के लिए बैठ जाते हैं आयुर्वेदिक चीज़ों को लेकर के, उनको कुछ नहीं मालूम होता। तो जो पुराने जो प्राचीन जो वैद्य जो पंसारी का जो बंदा होगा, जो इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानता होगा, इनमें से अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्योंकि एक चीज़ कई तरह के कई क्वालिटी के होता है एक दवाई। जैसे कलमी सोडा या कलमी क्षार जो है 2-3 तरह के होते, तो आपको जो कलमी क्षार जो है वो सफ़ेद वाला लेना है। इस चीज़ को आपने ज़रा ध्यान देना है, ठीक है। तो जवा क्षार आपने लेना 50 ग्राम, सर्जी क्षार लेना आपने 50 ग्राम, कलमी क्षार लेना आपने 50 ग्राम, सफ़ेद फिटकरी इसको लेना आपने 50 ग्राम, उसके बाद आपने लेना काला नमक ये भी 50 ग्राम, पपित क्षार, फिर सुनना, पपित क्षार 50 ग्राम, फिर इसका जो वजन होगा उसके बरोबर मिश्री 300 ग्राम मिश्री ले लीजिएगा, और इंद्रजौ 50 ग्राम। यदि आपका जो पथरी 15 mm से ज़्यादा बड़ा होगा तो आपने यहाँ पर इंद्रजौ भी लेना है। वैसे आप इंद्रजौ ले लो, कोई आपत्ति है नहीं। फिर से सुनना, बेर पत्थर 50 ग्राम, जवा क्षार 50 ग्राम, सर्जिक क्षार 50 ग्राम, कलमी क्षार 50 ग्राम, सफ़ेद फिटकरी 50 ग्राम, काला नमक 50 ग्राम, पपित क्षार 50 ग्राम, मिश्री 300 ग्राम, और इंद्रजौ इसे भी आपने 50 ग्राम लेना है। और इसको सभी को बरोबर एक साथ रख करके ये ध्यान देना कि सभी असली हो, बढ़िया हो, और बिल्कुल असली हो, बिल्कुल बढ़िया हो। डुप्लीकेट चीज़ें दे देते हैं पंसारी वाले, इसको थोड़ा ध्यान देना। अब कैसे आपको पता चले कि यह असली है या नकली है, तो आप इंटरनेट से इसको आप चेक कर सकते हो। पहले पूरा टोटली सभी इंटरनेट में विद्यमान है। गूगल में जाकर के सर्च करिए इस इमेज को। जैसे आप अगर आप बेर पत्थर लिखेंगे तो गूगल में आपको पता चल जाएगा वो किस तरह का दिखता है। फिर वो सभी को पहले पहचान करके फिर आप जा करके वहाँ से दवाई ले लीजिएगा। ये सभी को पहचान के लेना है आपने। उसके बाद इसको बढ़िया जौ कुट, बढ़िया इतना कूटिए इसको कि बिल्कुल कपड़ छान कूटना है, मतलब कपड़े से छान करके बिल्कुल पाउडर, बिल्कुल महीन पाउडर हो जाए। उसके बाद इसको आपने सेवन करना है। अब मैं ज़रा सेवन की विधि को बताता हूँ। सवेरे 1 चम्मच, शाम दिन को 1 चम्मच, और रात को 1 चम्मच। सवेरे उठते ही खाली पेट 1 चम्मच, दिन में 12 बजे 1 चम्मच, रात को जस्ट सोते वक्त सोने से कुछ देर पहले 1 चम्मच आपने इस दवाई को लेना। यदि आपका 15 mm से ऊपर का यदि आपका है, आपको 1 महीने तक इस दवाई को लेना होगा। यदि 15 mm से नीचे, 10 mm से नीचे होगा, तो 10 या 15 दिन तक आपको लेना है। और दूसरी बात दोस्तों, अब इसमें जो परहेज है वो मैं आपको जरा बताता हूँ। परहेज में आपने शकरकंद को कभी न खाना, विशेष करके यह जो ट्रीटमेंट जब तक आप करेंगे तब तक शकरकंद आपने नहीं खाना। चने के दाल बिल्कुल नहीं खाना,
चावल आपने खाना नहीं है, अमरूद आपने नहीं खाना। अमरूद से याद आया कि जितने भी जो कण वाली जो फल है, जैसे अमरूद को यदि आप खाओगे तो अमरूद में जो अमरूद के अंदर छोटे छोटे कण होते, दांत से ऐसे करके जो है ना उसको चबाया जाता है, वो कण टाइप का होता है। तो ऐसे कोई भी फल जिसके अंदर कण हो, छोटे छोटे महीन से दाने हो, जैसे अमरूद में होता है, तो उस फल को नहीं खाना। इसको आपने विशेष करके ध्यान देना। अब यह जो दवाई मैंने अभी आपको बताया, पढ़ के सुनाया, यह दवाई अंदर जो पत्री है उसको गलाएगा, उसको काटेगा, उसको फोड़ेगा, लेकिन वहाँ से निकालने की जो प्रोसेस है, इसके लिए आपको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी या सोडा जह ज़्यादा आपने पीना है। यह जो दवाई आपको मैंने एक एक चम्मच के रूप में जो मैंने बताया, इसको आपने लस्सी के साथ लेना है। ध्यान देना, यह दवाई लस्सी के साथ, लस्सी के अंदर डाल करके, एक गिलास लस्सी में एक चम्मच इस मिश्रण दवाई को डाल करके आपने लेना है। यह इसका एक चीज और ध्यान देना कि कोई भी गर्म चीजें, चाहे वो चाय हो, चाहे कुछ कॉफी हो, चाहे गर्म पानी हो, कुछ भी गर्म चीजें नहीं लेना। दही के साथ आप रोटी खा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोई ठंडी चीज़ें खाने के प्रयास करना। एक चीज़ और, अभी आजकल गर्मियों के मौसम में बाजार में तरबूज बहुत ज़्यादा मिलते, इसमें तरबूज को ज़्यादा से ज़्यादा आपने खाना है। कब? जब आप इस ट्रीटमेंट को शुरू करेंगे। तरबूज के दाने, तरबूज के बाहर के छिलका को काटिए, काट करके सुखाइए, सुखा करके कूट करके उसके पाउडर बनाइए। प्रति दिवस यदि आप उसका एक एक चम्मच सवेरे और शाम को, इसको यदि आप इसको भी दही के साथ मिला करके यदि आप खाएंगे, तो निश्चित आपके पथरी को बाहर निकालने में वो सहयोग करेगा। वैसे पथरी का ये दवाई ही एक तरह से। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 5 लीटर तक दिन में आपने पानी पीना। सोडा जितना ज़्यादा खाएंगे और पियेंगे अच्छा है। पेप्सी तकरीबन भी दिन में आपने एक बोतल ख़त्म कर देना, बड़ी वाली पेप्सी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोई भी, उसके अंदर सोडा होता है। यानी कि हमने ट्रीटमेंट के दौरान सोडा को ज़्यादा पीना है। इतना ज़्यादा पियो कि हद से बाहर, पूरा आपका पेट फूलना चाहिए पानी से, इतना ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो पानी बह करके उस सभी चीज़ों को निकाल। अभी इसमें जो ये जो कलमी क्षार हो गया, सब्जी क्षार हो गया, ये क्या करता है कि पेट को, पानी को अंदर जितनी भी जो आपका पेशाब जो है ना, पेशाब नली को क्लियर करने का काम करता है। जिनके शरीर में, जिनको पेशाब में जलन होती हो, उनको भी कलमी क्षार और सब्जी क्षार, ये दोनों चीज़ें बड़ा अच्छा काम करता है। लेकिन पथरी में चाहे वो कितना ही एमएम का हो दोस्तों, मेरे मानिए और एक बार आप इस ट्रीटमेंट को अपनाइए, निश्चित है भगवान की कृपा से आपका जो पथरी का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। 150 रुपया 200 रुपया लगेगा, ज़्यादा लग रहा है नहीं, 40-50 हज़ार रुपया, 35-40 हज़ार रुपया जो भी डॉक्टर जो ऑपरेशन का जो दवाई जो ऑपरेशन करने में जो पैसे लेते हैं वो भी बच जाएगी, और ऑपरेशन करने में जो दर्द होती है, हॉस्पिटल में जाके बैठना है दुनिया भर के लफड़ा, इसको सहने से तो अच्छा है कम से कम डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कर लो, तो कुछ दिन तक आप इस दवाई का सेवन करो मेरे लिए, तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता चलने लग जाएगा कि ये दवाई कितना कारगर है और कितना अच्छा है। दोस्तों, यह मेरे द्वारा दिया हुआ यह जो ट्रीटमेंट, यह उपाय, यह पथरी का दवाई यदि आपको अच्छा लगता हो, या मेरे इस वीडियो में जितने भी जो दूसरे जो रोग से रिलेटेड जो वीडियो मैंने जो बनाया है, चाहे वो मिर्गी से रिलेटेड हो, चाहे वो संतान प्राप्ति से संबंधित वीडियो हो, यदि उसको भी देख लीजिएगा और आपको पसंद आ जाए तो शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो आप जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय सियाराम।